हेलो फ्रेंड्स, ओसीडी के बारे में मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें स्पेसिफिकली मैंने ये एड्रेस किया है कि ओसीडी होती क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं घर पे बैठे विदाउट मेडिसिंस। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फैमिली मेंबर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओसीडी के पेशेंट को जल्दी रिकवरी करने में, इस बात पर चर्चा करूँगी। माय नेम इज़ जसप्रीत कौर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट इन गुड़गांव। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेंटल इलनेसेस या साइकेट्रिक इलनेसेस में फैमिली मेंबर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है। यूजली कोई भी इलनेस होती है, खांसी, जुकाम या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसमें सिर्फ पेशेंट की लाइफ इफेक्ट होती है। लेकिन साइकेट्रिक इलनेसेस में पेशेंट की लाइफ तो इफेक्ट होती ही है, उसके साथ साथ फैमिली मेंबर्स की लाइफ भी बहुत हद तक इफेक्ट हो जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज फैमिली मेंबर, अगर आपके फैमिली में कोई भी ओसीडी का पेशेंट है, तो आप ऐसे कौन से बिहेवियर्स से बच सकते हैं या कर सकते हैं, जिससे कि आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा और दूसरा पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाए। ओसीडी में चांसेस ये रहते हैं कि पेशेंट अपने ऑब्सेशंस और कंपल्शंस में इतना ज़्यादा एंगेज हो जाता है कि पूरा प्रोडक्टिव टाइम वो यही करता रहता है। खुद तो करता ही है और फैमिली मेंबर्स को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लेता है, जिसके कारण उनकी डेली रूटीन भी इफेक्ट हो जाती है। फैमिली मेंबर्स को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं और वो भी उसका साथ देते रहते हैं। जैसे कि अगर सिंपल एग्जाम्पल हो कि घर को साफ रखना है, इसके लिए कहीं पे कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि कितना साफ करना है, कितनी बार क्लीन करने से घर बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ओसीडी वाला पेशेंट तो अपना ऑब्सेशंस कंपल्शंस के चलते हुए बहुत सारा टाइम उसमें स्पेंड करेगा और वो सेम हैबिट ही फैमिली मेंबर्स में भी इनकल्केट करने की कोशिश करता है कि आप भी ये करिए। सफाई रखना तो अच्छी बात है, फैमिली मेंबर्स उन्हें मना भी नहीं कर पाते हैं और उसी ऑब्सेशंस और कंपल्शंस में वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हो सकता है उनके लिए वो बीमारी ना हो, उनके लिए वो एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो उनको अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एग्जिबिट करनी है। इनको हम फैमिली एकोमोडेशन बिहेवियर्स कहते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो फैमिली मेंबर्स कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करते हैं, पर इनके कारण ओसीडी वाला पेशेंट के ऑब्सेशंस कंपल्शंस बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। ऐसे ही बिहेवियर्स को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि एज अ फैमिली मेंबर यू आल्सो पार्टिसिपेट इन ओसीडी बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। मतलब कि अगर किसी को ओसीडी है कि मुझे अपने हाथ धोते रहना है, उनको नहीं विश्वास हो रहा कि उनके हाथ क्लीन हो गए हैं, वो हाथ धो रहे हैं, तो आप उनके साथ ही अपने हाथ भी धोने लग जाओगे। आप कहीं पे ये जस्टिफाई कर दोगे कि हाँ, 2-3-4 बार हाथ धोना इज फाइन, इट्स सोशली एक्सेप्टेबल, तो इससे उनकी टेंडेंसी उस बिहेवियर को करने की बढ़ जाती है। सेकंड बिहेवियर है असिस्टिंग इन अवॉइडिंग। अब ये समझिए कि अगर कोई ओसीडी पेशेंट अपने ऑब्सेशन को अवॉइड कर रहा है, रेजिस्ट नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा है, तो मतलब ये है कि उसका ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपने अगर मेरी थेरेपी वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हम बात करते हैं ERP की, जिसमें कि हम ऑब्सेशन को रेजिस्ट करते हैं, हम उसे नहीं करते हैं इंटेंशनली। अवॉइडेंस में क्या होगा, पेशेंट अपने आप को उस पर्टिकुलर स्टिमुलस से जो उसकी ओसीडी को ट्रिगर करता है उसे एक्सपोज ही नहीं करेगा। जैसे कि अगर किसी पर्सन को कपड़े धोने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो वो अवॉइड करेंगे कि मैं कपड़े ना धोऊं, रादर अपने फैमिली मेंबर को कह देंगे प्लीज़ यू डू लॉन्ड्री फॉर मी, ठीक है, आप मेरे कपड़े धो दीजिए। और एज फैमिली मेंबर आप उनकी हेल्प करना चाहोगे कि हाँ, इसे बहुत परेशानी होती है कपड़े धोने के लिए, तो मैं कर देती हूँ। लेकिन ऐसे करने से आपने उसकी ओसीडी थॉट को और स्ट्रॉन्ग किया, जिसके चलते हुए उनकी बीमारी और बढ़ जाए। अच्छा ये रहेगा आप उनको एक्सपोज करें स्टिमुलस से, और एंजाइटी या जो भी अनइजीनेस वाली फीलिंग है उसको ओवरकम करने के लिए उनकी हेल्प करें।
थर्ड बिहेवियर है उनके ओसीडी के बिहेवियर को हेल्प करना। हेल्प करना इन द सेंस कि अगर सेम एग्जांपल लेते हैं, क्लीनिंग की ही ओसीडी है, तो अगर उसके लिए वो 1 किलो डिटर्जेंट पर डे यूज़ कर रहे हैं, तो आप हेल्प कर रहे हो वो डिटर्जेंट की सप्लाई उन्हें कॉन्टीन्यूसली देने के लिए। आप मना नहीं कर रहे कि हाँ इतना की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हेल्प कर रहे हो मे बी ग्रोसरी पे जाके या ऑनलाइन उनके लिए उतना डिटर्जेंट ऑर्डर करने के लिए। इसके चलते हुए भी ओसीडी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बिहेवियर है कि अपने फैमिली रूटीन्स में चेंजेस लाना, ताकि आप ओसीडी वाले पेशेंट के बिहेवियर्स को एकोमोडेट कर सकें। जैसे कि अगर किसी को नहाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मे बी 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप उसे पहले नहाने दे रहे हो, आपको ऑफिस जाना है, आप ऑफिस की चीज़ को डिले कर रहे हो कि हाँ मैं बाद में चली जाऊँगी, पहले मेरे रिलेटिव को या इनको ओसीडी की दिक्कत है तो पहले इनको करने दीजिए, ताकि इन्हें संतुष्टि मिल जाए, मैं अपने काम बाद में कर लूँगी। अगर आप ऐसे फैमिली रूटीन्स में चेंजेस ला रहे हैं, तो अगेन समझिए कि आप ओसीडी में हेल्प नहीं कर रहे हो रिकवर करने के लिए, बल्कि आप उसे बढ़ाने की टेंडेंसी को ट्रिगर कर रहे हो। नेक्स्ट बिहेवियर है कि आप एज अ फैमिली मेम्बर अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। अगर पेशेंट बहुत सारा टाइम ओसीडी में बिता रहा है, ओसीडी के थॉट्स कंपल्शंस में एंगेज हो रहा है, तो आप उसके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खुद कर रहे हो। मे बी उनको खाना बनाना था, या बच्चों को लेके आना था स्कूल से, या बच्चों को पार्क लेके जाना था, पर पेशेंट ओसीडी थॉट्स में बहुत ज़्यादा एंगेज है, आप वो सब चीज़ें खुद कर रहे हैं, तो इससे भी टेंडेंसी ओसीडी थॉट्स में एंगेज रहने की बढ़ेगी, ओसीडी कम होने में हेल्प नहीं होगी। लास्ट बिहेवियर है कि अपनी खुद की जिंदगी एज अ फैमिली मेंबर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ताकि ओसीडी बिहेवियर्स को एकोमोडेट कर सकें। जैसे कि प्रोबेबली आपका मन है कि मैं बाहर वॉक के लिए चली जाऊँ, या मुझे एक मूवी देख के आनी है, या कुछ भी एक लेजर एक्टिविटी करनी है, लेकिन आपको मालूम है कि घर में एक ओसीडी वाला पेशेंट है जो खुद अपने थॉट्स में कंपल्शंस में एंगेज्ड रहेगा, परेशान रहेगा, अगर मैं उसे अकेला घर पे छोड़ जाती हूँ तो एक सेंस ऑफ गिल्ट आएगा। देखिए, आपको समझना है कि पेशेंट को हमें ये सिखाना है कि अपने ओसीडी के ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को रेजिस्ट करना है, और वो एज अ इंडिविजुअल वो खुद कर सकते हैं, आपको सिर्फ उनका सपोर्ट मैकेनिज्म बनना है। अगर आप बहुत ज़्यादा उन्हें अटेंशन देंगे, आप उन्हें रीअश्योर करोगे, उनके अवॉइडेंस बिहेवियर को हेल्प करोगे, तो आप अपनी लाइफ भी नहीं जी पाओगे, प्लस ओसीडी को जाने अनजाने बढ़ाने में आप हेल्प करो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऐसे कौन से बिहेवियर्स फैमिली मेम्बर्स एग्जिबिट करते हैं जिनके कारण ओसीडी बढ़ जाती है। अपनी तरफ से वो हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हेल्प नहीं होती, रादर पेशेंट का नुकसान होता है, उसके ओसीडी के बिहेवियर्स टेंडेंसीज और बढ़ जाती हैं। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप एज अ फैमिली मेम्बर उनके साथ ओसीडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। आज के टाइम में बहुत सारी ओसीडी पे इंफॉर्मेशन है, ब्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि एज अ मेंटल हेल्थ पेशेंट आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करो, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। अगर आपने कोई इलनेसेस ओवरकम की हैं, उनकी स्टोरीज बहुत अवेलेबल हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आप अपने पेशेंट के साथ शेयर करिए, उन्हें हेल्प करिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ओसीडी काफ़ी कॉमन इलनेस है और उससे 100% आप बाहर आ सकते हो, प्रोवाइडेड आपका ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हेल्प करिए कि ओसीडी के बारे में जनरल अवेयरनेस बढ़ जाए और जिसको दिक्कत है उसकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। अगर ओसीडी वाले पेशेंट को ओसीडी की नेचर के बारे में भी पता लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस उनका कम हो जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।